वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन. टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू योर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 5 डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस. इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेस. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज द टॉपिक इज कम्युनिकेबल डिसीज. देर आर सम डिसीजेस विच कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस और इन्फेक्टियस डिसीजेस. बच्चों बीमारियां जो होती है वो टू टाइप्स होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिसीज़ वो होते हैं जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, या फिर जो इन्फेक्टियस डिसीज़ कहा जाता है, फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं. दिस डिसीज़ आर कॉज्ड बाय टाइनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स और जर्म्स. तो ये जो बीमारियाँ हैं जो एक से दूसरे में फैलती हैं, ये छोटे छोटे लिविंग जीव होते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोब्स या जर्म्स. माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्मदर्शी जीव, यानी कि इतने ये सूक्ष्म होते हैं कि वी कैनॉट सी विथ योर आइज, वी हैव टू सी अंडर अ माइक्रोस्कोप. यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये डिजीज़ स्प्रेड करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवा एंड फंगाई. द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम अ पेशेंट टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, फूड, वाटर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. तो ये सारे तरीके हैं जिसके कारण बीमारियां जो है एक से दूसरे में फैलती है. या तो हम अशुद्ध हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं, या फिर वाटर गंदा पानी पी लेने से, गंदा भोजन करने से, या फिर अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके जो कॉन्टैक्ट में आने से हमें ये बीमारियाँ एक से दूसरे में फैलती हैं. दे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू द माउथ, नोस एंड ब्रोकन कट और स्किन. यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मनुष्य के शरीर में या तो मुंह के द्वारा, या तो नाक के द्वारा, या फिर अगर कहीं कट फट गया है तो उसके द्वारा वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं. बैक्टीरिया कॉसेस डिसीज लाइक टाइफाइड, मेनिगिट्स, ट्यूबरोक्लोसिस, निमोनिया, कॉलरा एंड प्लेग. बैक्टीरिया नामक जो जीवाणु है ये सारी बीमारियां, जैसे कि टाइफाइड है, टीबी है, निमोनिया है, कॉलरा है, ये सारी बीमारियां फैलाते हैं. वायरस कॉसेस डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीसल्स. वायरस जो होते हैं वो भी बहुत ही घातक होते हैं, जो एक से दूसरे को बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं. जैसे कि आजकल का जो दौर है कोरोना वायरस, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वायरस, जिससे कि आप देख रहे हो किस प्रकार से बीमारी फैलती जा रही है. प्रोटोजोवा कॉसेस डिसीज लाइक मलेरिया, अमेबिक एंड डिसेंट्री. यानी कि प्रोटोजोवा जो होते हैं वो उनसे मलेरिया, डिसेंट्री इत्यादि फैलते हैं. फंगई कॉसेस डिसीज लाइक इन्फेक्शन. फंगई जो होता है इससे हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, या तो स्किन पे हो सकता है, या हेयर पे, या डेस पे. ओके, और यू कैन सी हियर हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज. बैक्टीरिया आप देख रहे हो राउंड शेप में है, रेड कलर का, और वायरस आप देख रहे हो छोटे 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 दाने की तरह है. प्रोटोजोआ ऑल्सो यू कैन सी, एंड फंगई आप देख सकते हो. तो बच्चों ये चार जो माइक्रोब्स हैं जिनसे बीमारियां जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है. तो लेट अस सी हाउ स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस टेक प्लेस. द कम्युनिकेबल डिसीज कैन स्प्रेड इन मैनी वेज. सम कॉमन वेज बाय विच दिस डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. यानी कि किसी भी सिक बीमार व्यक्ति के हम अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे भी हमें वो बीमारी हो सकती है. जैसे कि मैनी डिसीजेज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन और विद हिज क्लोथिंग और आर्टिकल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन. यानी कि उसके कपड़े से, या फिर उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों से, अगर उस चीज़ को दोबारा अगर हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसको छूते हैं, तो देन वी कैन गेट इन्फेक्टेड. जैसे कि है स्मॉल पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, चिकन पॉक्स, मीसेल्स, वूफिंग कफ, रिंग वर्म, ये सारी जो बीमारियां हैं वो अगर हम किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, या फिर उनसे इस्तेमाल की गई चीज़ों से के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये बीमारियां हमें फैलती है. तो दूसरा कारण है थ्रू एयर. यानी कि इन्फेक्टियस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है
वो हवा के द्वारा भी हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकती है। जैसे कि सम डिजीजेस लाइक कफ, खांसी होना, सर्दी होना, इन्फ्लुएंजा होना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जो माता नहीं बोलते हो, माता निकल गई है, मीसल्स स्प्रेड्स थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सपोज़ डैट कि अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और वो जब सांस छोड़ता है तो उसमें हवा के द्वारा वो जो जीवाणु है वो हमारे अंदर भी चले जाते हैं और इस प्रकार से बीमारियां एक से दूसरे में हवा के द्वारा भी फैलती है। सून दिस जर्म स्प्रेड इन टू द एयर, यानी कि जब कोई छींकता है, खांसता है या थूकता है तो ये जो जर्म्स है वो हवा में मिल जाते हैं और दिस जर्म्स एंटर टू द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन हु ब्रीथ इन दिस एयर। सो चिल्ड्रेन, अगर कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है कोई भी बीमारी से तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमें ऐसे लोगों के आसपास नहीं रहना चाहिए या फिर वी हैव टू वेयर अ मास्क। सम डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस एंड नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी कि अगर कोई अशुद्ध भोजन या वाटर, गंदा खाना और पानी अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। सम डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री और फूड पॉइजनिंग आर कॉज्ड बाय टेकिंग इन्फेक्टेड फूड और ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड वाटर। व्हाट इज कॉन्टामिनेटेड, यानी कि गंदा पानी, अगर बहुत ही गंदा पानी है और उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये सारी बीमारियाँ हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ है कि इनको गंदा कौन करता है, फ्लाइज है, मक्खियाँ हैं, कॉकरोच है, कैरी द जर्म्स ऑफ दीज डिसीजेस फ्रॉम रबिश हीप, यानी कि कूड़े कचड़े से ही अपने साथ बीमारियाँ जर्म्स लेकर वो हमारे खाने पे बैठती है और इस प्रकार से हमारा जो भोजन है वो गंदा हो जाता है और जब हम उसे खाते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती है। वेन एवर वी ईट सच फूड वी फॉल सिक। हैंडलिंग फूड एंड वाटर विथ अनक्लीन हैंड्स, यानी कि भोजन जो भी हम बनाते हैं या खाते हैं तो गंदे हाथों से हमें कभी भी खाना खाना नहीं चाहिए और हमेशा जो अपने जो बर्तन है उसे हमें साफ रखना चाहिए। लैक ऑफ सैनिटरी इन कंडीशंस, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, इन दैट कंडीशन ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। एंड आर मेन कॉसेस ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर हम कॉन्टामिनेटेड गंदा भोजन या पानी इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट इन्फेक्टियस डिसीज कैन स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स ऑल्सो, सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, फ्लीज, बग्स, सैंड फ्लाइज स्प्रेड कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू देयर बाइट्स, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो काट के हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये बीमारियाँ फैलाते हैं। When these insects bite a sick person, suppose that अगर कोई मच्छर है किसी बीमार व्यक्ति को काटता है और उसका ब्लड चूसता है, after that blood containing germs of disease, अब उसके शरीर में क्या होता है कि उसके पास जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सारे germs हैं, and these germs are passed on the healthy person when the insects bite him, और ये जर्म्स जो है जब वो एक अच्छे व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। एंड द कॉमन डिसीज स्प्रेड बाय द इंसेक्ट्स बाइट आर मलेरिया है, प्लेग है, डेंगू फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, येलो फीवर, यानी कि इन मच्छरों से और कीट पतंगों से भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें हमारे शरीर में एक से दूसरे में फैलती है। मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू अ मॉस्किटो, यानी कि जो मलेरिया है बच्चों वो एक मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, यानी कि जो मादा मच्छर है, एनोफिलीस नाम की जो मादा मच्छर है ये जो है वो मलेरिया स्प्रेड करती है। इट कैरीज द जर्म्स कॉसेस दिस डिसीज। इन 1994 ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात सफर्ड फ्रॉम प्लेग कॉस्ड बाय द बाइट्स ऑफ रैट्स, और इसी प्रकार 1994 में अगर आप पढ़ोगे पीछे हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि 1994 में बहुत सारे लोग महाराष्ट्र और गुजरात में प्लेग के द्वारा सफ़र हुए थे, यानी उन्हें प्लेग हो गया था बिकॉज ऑफ बाइटिंग ऑफ रैट्स फ्लीस, यानी कि चूहे के काटने के वजह से। तो इस प्रकार से बच्चों इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि डिसीज़ कैरी करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
देन नेक्स्ट थ्रू द कैरियर्स, यानी कि व्हाट आर द कैरियर्स. समटाइम्स डिजीज आर कॉज्ड बाय द हेल्दी पर्सन कैरिंग जर्म्स ऑफ सम डिजीजेस लाइक टाइफाइड, कोलरा, डिसेंट्री, स्मॉल पॉक्स. द हेल्दी पर्सन मे बी कैरिंग द जर्म्स ऑफ डिसीजेस बट दे डू नॉट सफर फ्रॉम द डिसीजेस, दे आर कॉल्ड कैरियर्स. क्या होता है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति जो अपने साथ ये जर्म्स कैरी करते हैं लेकिन वो उससे इन्फेक्ट नहीं होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक कैरियर है. दिस पर्सन ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ डिसीजेस वन पर्सन टू अनदर व्हेन वी कम इन द कॉन्टैक्ट. इस प्रकार से कभी कभी हेल्दी पर्सन भी अपने साथ ये सारे जर्म्स कैरी करते हैं तो इन्हें कैरियर्स कहा जाता है. तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको इस टॉपिक में बताया कि व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ और ये किस प्रकार से माइक्रोब्स के कारण फैलता है और किस किस कारणों से फैलता है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर अबाउट एड्स. एड्स एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशेंसी सिंड्रोम इज एन इनक्यूरेबल कम्युनिकेबल डिसीज़ कॉज्ड बाय द वायरस HIV इन द ब्लड एंड द वायरस डिस्ट्रॉयज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस. यानी कि HIV का नाम आपने सुना होगा. HIV एक बहुत ही घातक विषाणु है, यानी कि वायरस है, जो कि इससे एड्स नामक बीमारी होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर कर हमारे हमारे इम्यूनी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ख़त्म कर देता है. और ये काफ़ी घातक बीमारी है. सो चिल्ड्रेन, आई एम गोइंग टू क्लोज इट. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़. थैंक यू.